Hi guys, welcome back to my channel. This is your Lup Song. Hi. I know. I'm looking very horrible right now. I know. So मैंने एक बेवकूफी की है. मैंने खुद से अपने बाल काट दिया खुद से. काफी टाइम से मेरा बैंग्स रखने का बहुत मन था. बहुत मन था. काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं बैंग्स रखूं. एंड आज मैंने खुद से अपने हाथों से घर पे कैंची से ऐसे काट लिया. एंड नाउ आई एम लुकिंग हॉरिबल. बहुत गंदा लग रहा हूँ. इंस्टेंट रिग्रेट. अब तो मेरा मुंह और बड़ा लग रहा है. पता नहीं, मैंने हैट पहन लिया ताकि मेरा बाल गंदा ना दिखे. ताकि जो मैंने बैंग्स अपने हाथों से काटा है वो दिखे ना. इसे मैंने ये हैट पहन के रखा है. मैं बाहर जाने का सोच रहा था. एंड आई एम लुकिंग वेरी बैड. क्या करूँ मैं, बताओ. मेरा ना सच में ऐसे बैंग्स रखने का, कोरियन जैसे लड़की का दिखने का बहुत शौक था ना. बहुत मन था इसे मैं काट लिया. शिट यार, क्या करूँ. बहुत गंदा लग रहा है. शिट यार. I don't know if you guys have noticed, but it's fake. मैंने ये लगाया, क्या बोलते इसको, bangs, छूटा वाला, fake वाला. Sorry guys, it was just a prank for you all. मजाक कर रहा था. मैंने बाल नहीं काटे. Actually, I really wanted to cut my hair like this. मतलब मेरा जो फ्रंट का हेयर है, मैं ऐसे रखने का मन करा था काफ़ी टाइम से. आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप माई हेयर लाइक दिस फॉर सम टाइम्स. बट ये ना कि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि नहीं नुकसान, ऐसे फ्रंट के हेयर ऐसे मत रखो. सिंस मैं हमेशा ब्रेड बनाती हूँ, पता है. मैं जस्ट अभी बाहर जाके आई हूँ कुछ काम से. मैं ये ब्रेड बनाया सो मैं हमेशा ब्रेड बनाती हूँ ना, तो ब्रेड की वजह से ना बाल पूरा ऐसे झुंझले हो जाते हैं. तो इसलिए बोला, मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि नहीं ऐसा मत काटना कि तुम बहुत गंदे लगोगे. एंड मैंने ऐसे ही बैंग्स लिया था, ये ऑनलाइन से लिया था मैंने ये बैंग्स. और सच बोल रही मेरे फ्रेंड्स, मैं बहुत अजीब लग रहा हूँ, है ना. सो आई थिंक बैंग्स आर नॉट गोना सूट. ओके, तो मुझे आज पता चला. वेल, बेसिकली 3 साल पहले, मतलब लॉकडाउन से पहले मेरा हेयर ऐसे था, मेरे बैंग्स थे. तब तो मुझे मेरे पे अच्छे लग रहे थे बैंग्स. पता नहीं अभी मेरे पे बैंग्स कैसा लग रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा. अजीब सा नहीं लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों को ये आते मुझे सब नहीं, मतलब कैसे लग रहा है? जस्ट प्लीज, आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन कि अगर मैं अपना बाल ऐसे काटूँगी तो कैसे लगूंगा. मैं बाल ऐसे काटना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि सिंस आई हैव अ बिग फेस, आई वॉन्टेड टू कवर माई फेस विथ माई हेयर. मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मोटा सा मुंह है, आधा मुंह तो कवर हो जाए बालों से. इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बाल ऐसे काटूँ. बट आई एम स्टिल नॉट श्योर क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे जो करीबी दोस्तों हैं एंड हाँ, मुझे कुछ सब्सक्राइबर, कुछ फॉलोअर्स ने बताया था कि नुकसान काट लो, इट विल लुक क्यूट ऑन यू. क्योंकि मैंने पहले भी काटा हुआ है ऐसे बाल. एंड पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. मेरा मन कर रहा है, ऑनेस्टली मेरा काफ़ी मन कर रहा है ऐसे बाल काटने का. पर पता है, ये ऐसे ही घर पे लगाया, अगर मैं थोड़ा सा हिलूंगा ना ये गिर जाएगा. मैंने ऐसे ही आप लोग फूल बनाया, फूल आप लोग को फूल बनाया, फूल. और आई थिंक अच्छा लग रहा है मेरे पे ऐसे बाल करोगे तो. अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है. पता नहीं दूसरे का मुझे नहीं पता, मुझे तो खुद से तो अच्छा लग रहा है. माई फेस इज लुकिंग वेरी राउंड. गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं अपना बाल ऐसा रखूँ ना रखूँ. ओके, सो अभी मुझे
बाहर जाना है, मुझे सैलून जाना है, मुझे अपने बाल इतना तक काटना है, आई एम गोना कट माय हेयर समथिंग लाइक दैट, इतना तक काटना है मुझे, जो नीचे के पूरा अनइवन है, ऐसे ऐसे मेरे बाल कैसे बोले ऐसे 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 अनइवन है, इट्स वेरी अनइवन राइट नाउ. एंड जब मैं ब्रेड्स बनाती हूँ ना तो ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि अनइवन है ना, ऐसे छोटे छोटे फिर लंबे छोटे छोटे, तो मुझे पूरा अपना हेयर पूरा ऐसे इवन बनाना है, पूरा सीधा एक ही लाइन का बनाना है, अनइवन है. तो मुझे अभी सैलून जाना है, तो या शायद मैं जुनून जमा को साथ में लेके चलूँगा. मैं अपने बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वेयर एवर आई गो, मैं कहीं भी जाती हूँ, कैफे घूमने कहीं भी, मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ 100% 99% आई टेक माई पपीज विथ मी. हाँ, बट दैट 1% इज लाइक जहाँ पे वो लोग अलाउ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मूवी थिएटर मॉल, वहाँ पे अलाउ नहीं है तो मैं नहीं लेके जा पाता, वरना मैं कहीं भी जाती हूँ आई टेक देम चुचुन सेवा मेरे साथ में लेके जाता हूँ. क्योंकि सी जब मैं बाहर जाता हूँ ना, इनको यहाँ पे छोड़ के दिल में ना बहुत गिल्टी फील होता है, जो देर सम नो काइंड ऑफ आई डोंट नो गिल्टी सा रिग्रेट सा कि यू नो आई फील लाइक आई एम चीटिंग ऑन देम, ऐसा फील होता है. पता है आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं अपना फीलिंग बता रहा हूँ, सबका मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग होता है. मेरा ये फील है जब जब मैं इनको छोड़ के जाता हूँ ना यहाँ पे, मुझे ऐसा फील होता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये जा रही है अकेले घर पर बैठ रही हूँ. और फिर ज़्यादा बात करिए, चलो सैलून चलते हैं, अपने बाल काटे चलते हैं, मैं दोनों बच्चों को लेके जा रहा हूँ, तो चलो मैं इसको उतार के जाने वाला हूँ. ऐसे जाऊँगी ना, सभी लोग मुझे देखते रहेंगे. पता है जब ये सुबह आया था ना ये पार्सल, इतना मुश्किल था लगाना ये, मुझे तो अभी भी नहीं आया, मुझे लगाना अभी तक नहीं आया ये. अलग अलग दिया है बट बैठ नहीं रहा, पता मुझे ये लगा ना बहुत मुश्किल हुआ. तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, मैं ऐसा काटूँ बाल, प्लीज़ बताना, अपना ऑनेस्ट दिल से बताना, ठीक है, प्लीज़ मैं काटूँ ना काटूँ. तो तब तक चलते हैं हेयर कट करने, सैलून चलते हैं. हाँ जी, नीचे से काटते हैं, नहीं काटते.